हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 लाहलड़ी गांव में खस्ताहाल रास्तों से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। बरसात के दिनों में तो जगह जगह पर टूटे हुए रास्ते से आना जाना जोखिम भरा हुआ है, तो कई जगहों पर डंगे गिरने से समस्या गंभीर बनी हुई है। हालांकि लाहलड़ी गांव से होकर डुग्गा को जाने वाले रास्ते की हालत को सुधारने के लिए पार्षद को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। गौरतलब है कि दशकों पहले बनाए गए रास्तों की आज दिन तक मुरम्मत नहीं की गई और इस कारण रास्ते की हालत दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द रास्ते की मुरम्मत की जाए। स्थानीय बाशिंदे करमचंद ने बताया कि रास्ते की हालत खराब होने पर बीमारी की हालत में जाना मुसीबत बन रहा है। उन्होंने बताया कि पार्षद से जब इस बाबत शिकायत की गई तो उन्होंने रास्ते की मरम्मत करवाने की बजाय डीसी से मिलने के लिए कहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही रास्ते की मरम्मत की जाए। रिक्शे आ रही है, रास्ता नहीं आ रहा, कोई बीमार पार हो गया तो कहीं जाना, क्या करना? बच्चे छोटे छोटे बच्चे को कहा जाओ, कहीं जाना तो उसने बोला कि आप डीसी के पास जाओ। बही महिला सुधा देवी ने बताया कि कई सालों से रास्तों की मरम्मत नहीं की गई है, जिस कारण जगह जगह रास्ते के डंगे तक टूट चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई बार पार्षद को भी बताने पर रास्ते की मरम्मत नहीं हो सकी है। महिलाओं ने बताया कि रास्ते पर पैदल चलना भी समस्या बनी हुई है और नगर परिषद का वार्ड नंबर 11 होने पर भी पंचायत जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। इसका क्या हाल है? लाइट नहीं है। और लाइट नहीं है, बच्चे अकेले आते हैं शाम को, दिन में भी क्या आएंगे रास्ते पर? तो अपने इस घर पर क्या हुआ? तो प्रधान तो आते जाते देखते नहीं है, तो उनसे हमारी बात नहीं हुई। उन्होंने देखा नहीं, इतना बनाया, आगे कुछ किए नहीं है। दिखा दे रास्ते से, इतने इतने बच्चे ने कर सामान कि ले आना है। हाँ जी, हर परेशान नहीं है, तो रास्ते बाट ही नहीं है, जो मिलना था और क्या करना है। इतने इतने बच्चे है ना, इन्हें लेने जाना, कोई कि कोई घा पत्थर बाजार हो जाना, क्या करना? बीमार हो तो कि जाना, कि लेने जाना है? मेरी दवाई ऊपर क्या बोलते, इतने इतने बच्चे करने, हंज तो नर कहती, हंज क्या सहूलत है? कमेटी क्या लगे पे, यहां कोई नहीं सुनाई करा रहा, तो अगर दरखास्त दे दी है।